मयंक के लिए एक बार तालियां, थैंक यू वेरी मच। कैमरा ले लिया मैंने। तो मेरा मयंक मोहन है और मैं सीए फाइनल का स्टूडेंट हूँ बाय प्रोफेशन। अब आप सोचेंगे बाय प्रोफेशन क्यों, अब इतनी बार टाइम दे दिया तो मुझे प्रोफेशन ही लगता है। अभी मैडम आई थी, उन्होंने बोला था कि भाई उनकी मम्मी ने किसी से पूछ लिया शादी हुई, दो दिन बाद ही पूछ लिया अरे बच्चा क्या हो क्या हो क्या नहीं हो। देन वी हैव चंचल। इंडिया में ये चीज प्रॉब्लम है कि मतलब शादी हो या सरकार, सबको एक साल में न्यूज चाहिए होती है, हर किसी को भाई बच्चा है बच्चा। अच्छा सर आपकी गर्ल, अच्छा आपके वाइफ है, सॉरी यहाँ पे किसी की गर्लफ्रेंड है? उससे लड़ाइयाँ सबकी होती है, और मेरी लड़ाई इस चीज ऐसी बातों पर होती थी ना कि भाई तुमने मुझे गुड मॉर्निंग ही भेजा, भाई मेरे गुड मॉर्निंग भेजने के बिना तेरा गुड मॉर्निंग होगा नहीं क्या? लेकिन नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं भेजा, गुड नाइट नहीं भेजा, साथ में खाना नहीं खाया। अरे क्या क्यों क्यों क्या चाह रहे हो? एक बात और लाइक इस बात पे हुई कि मैंने किसी का बच्चा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था, मतलब वो चाहती थी कि बच्चा हो तो मेरा ही बच्चा हो, किसी और का बच्चा ना। कि अरे भाई ऐसा कैसे, मतलब वो बच्चा भी भाभी का बच्चा है, मतलब उसको पैदा होते हुए देखा है, नॉट लिटरली बट आपके सामने, मतलब उसको पाला है, पोसा है, दूध पिलाया है, मतलब अपना दूध बॉटल से तो फर्क बात है ना। लेकिन नहीं, इस बात को तुम्हारा लड़ाई हो रही है बताओ। सौ चुड़ैल मरी होंगे उसके बाद जाके उसके खून पर एक खतरा बना होगा, ये तो मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकता हूँ। अच्छा अब माँ बाप की बात होती थी, तो मेरे घर में भी थोड़ा कुछ ऐसा सीन है, मतलब अगर मेरे घर में कुछ भी सामान रखा है तो वो इसलिए वहाँ पे उस जगह पे इसलिए रखता है क्योंकि मेरी माँ ने वहाँ पे रखा है, मैं वहाँ से ज़रा से कुछ खिला दूंगा, पता नहीं माँ को कहाँ से ध्यान आएगा, एकदम वहाँ पे आके उसको ठीक कर देंगे। अब जैसे टीवी भी, जब उनको टीवी तभी साफ करना होगा जब मैं टीवी देख रहा हूँ, उस टाइम भी नहीं करेंगे, वैसे तो वो ऐसे पूरा गंदा पड़ा रहेगा, धूल जमी होगी या बच्चे उस पर कार्टून बना रहे होंगे, लेकिन नहीं होगा, साफ तभी होगा जब मैं उसको देख रहा हूँ। और जैसे अब जैसे घरों में कांच की बोतल गिर जाती है, ग्लास गिर जाते हैं, आवाज आवाज जब आती है तो क्या आवाज आती है? कड़ाक खड़ुक खड़ुक। लेकिन नहीं, अगर आवाज आ रही मम्मी की तो मतलब आपने तोड़ा है, और अगर कोई आवाज नहीं आ रही तो वो तो मम्मी से टूटा हुआ है, वो आपने नहीं तोड़ा, हो गए क्या बची है। थैंक यू वेरी मच, एक्सीलेंट।